हरियाणा में एक बड़े राजनीतिक घराने के अंदर के घमासान ने दो राजनीतिक दलों को जन्म दिया, इनेलो और जेजेपी। गठबंधन टूटने के बाद जेजेपी में आए तूफान के बीच जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने घर वापसी को लेकर जो बयान दिया उसका जवाब भी आया। अभय चौटाला ने जवाब दिया, खबर रिपोर्ट के जरिए देखिए। गठबंधन से अलग हुई जननायक जनता पार्टी में इस्तीफों की बारिश के बीच जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के एक बयान ने खलबली मचा दी। भिवानी के दादरी में डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने कहा कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला उनके परिवार के मुखिया हैं और चौटाला साहब कहेंगे तो वे वापस परिवार में लौटने को तैयार हैं। अब ये तो चौटाला साहब पे निर्भर करता है, ये बड़ों का काम है कि वो पहल करें। मैंने कहा ना कि ये पहल तो बड़े हैं चौटाला साहब, उनको करनी है। नहीं, चौटाला साहब पहल करेंगे तो एक होने के लिए आप सहमत हैं? तो कल बुलाएंगे तो हम तो कल चले जाएंगे। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के घर वापसी के बयान पर 24 घंटों के भीतर ही आरएनडी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने पलटवार कर दिया, और पलटवार भी ऐसा कि सुनने वालों के जहन में कहीं कोई शक ही ना रहे। आज देखा नहीं आपने कैसे भगदड़ मची हुई है जसपा के नेताओं की, कैसे सब लोग छोड़ छोड़ करके जा रहे हैं। अब तो इनके विधायकों ने भी रिजाइन करना शुरू कर दिया, वो भी जाने लगे। और चौटाला साहब ने बड़े साफ शब्दों में कई दफा ये बात कही कि हमारा इनसे कोई वास्ता नहीं, ये गद्दार है, इन्होंने हमारी पार्टी की पीठ में छुरा घोंपा है। चौटाला साहब के साथ इन्होंने दगा किया, धोखा किया। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला और उनके परिवार के लिए ना तो राजनीति में कोई जगह बची है और ना ही सामाजिक जीवन में। चौटाला साहब को आधी रात को इन्होंने हॉस्पिटल से जेल भिजवाया, क्या वो भूल गए? अब इसलिए ये बात कह रहे हैं क्योंकि इनकी पार्टी खत्म होगी, ये सामाजिक रूप से भी खत्म हो गए और ये राजनीतिक रूप से भी खत्म हो गए। अब ये तो तय हुआ कि जेजेपी का विलय आरएनडी में नहीं हो सकता, यानी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला की घर वापसी की कोई संभावना ही नहीं है। ऐसे में हरियाणा में जाट वोटर्स का मूड किस तरफ अपना असर दिखाएगा, ये सवाल राजनीति के पंडितों के सामने खड़ा है। तो लगता यही है कि एनएलडी और जेजेपी के मौजूदा हालात का सीधा फायदा भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस पार्टी के खाते में जाएगा। उम्मीद मत रखो, और मैं आपसे दावे से कहता हूँ कि इस देश में करवट बदल रहा है मतदाता। 52 साल हो गए इस धंधे में, अच्छा ज्योतिषी बन सकता हूँ मैं? हाँ, राजनीति का ये जो ये बदलाव है, ये राजनीतिक दल या राजनीतिक नेताओं की वजह से नहीं, ये इनके कुकर्मों की वजह से, इनकी गलत नीतियों की वजह से। दरअसल देश और हरियाणा प्रदेश में मौजूदा चुनावी हालात तो यही लगते हैं कि पूरे देश में वोट दो हिस्सों में बटेगा, प्रो मोदी और एंटी मोदी। मोदी के हिस्से के वोट तो सीधे बीजेपी के खाते में चले जाएंगे और एंटी मोदी वोट उस राजनीतिक दल या गठबंधन को मिलेंगे जो मोदी की गारंटी वाले उम्मीदवारों को हराने का दमखम रखता हो। अब हरियाणा के जाट वोटर्स तो पहले ही बीजेपी से खफा नजर आ रहे हैं। ऐसे में अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि हरियाणा के जाट वोटर्स किसके पलड़े को भारी करने में अपना दमखम दिखाएंगे। जब भी पलटा लगेगा, इस देश का मतदाता, इस देश का युवा, इस देश की हमारी बहनें ये लगाएंगी पलटा, और पलटा लगने को तैयार है। वैसे कहते हैं कि चुनाव से पहले कयामत की रात में क्या कुछ बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, अपने कब बेगाने हो जाएं कुछ कहा नहीं जा सकता। सोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार ब्यूरो।